रतिया इलाके के मेन बाजार में स्थित किसान इलेक्ट्रॉनिक में चोरी का मामला सामने आया है। चोर दुकान की साइड में बनी दीवार में सेंध मारकर दुकान में घुसे और लाखों का सामान ले गए। दुकान के पास हैफेड के गोदाम के लिए काफी खाली जगह रखी हुई है। इसी खाली जगह का फायदा उठाकर चोरों ने दुकान की दीवार में सेंध लगाई और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पास की दुकान में लगे सीसीटीवी में घटना का वीडियो कैद हो गया है, जिसमें एक चोर मुंह पर रुमाल बांधे हुए दिखाई दे रहा है, तो चोर दुकान के गले में मौजूद 2000 की नकदी के साथ लाखों रुपए कीमत की बिजली की तारे चोरी करके ले गए। आसपास के लोगों ने सुबह दुकानदार को मामले की सूचना दी। पुलिस को मौके पर जानकारी दी गई और अब पुलिस के द्वारा जांच की बात कही जा रही है। घटना की सूचना पाकर डीएसपी धर्मवीर पूनिया ने मौके पर दुकान का मुआयना किया। हमारा जिला चोर आ गए, करीब 10-15 लाख का नुकसान है। 20-1 हज़ार रुपया कैश पड़ा था, वो ले गए, गले गुले सारे खिंडा गए। कैसे सेंध लगाई चोरों? हाँ जी, कैसे सेंध लगाई चोरों? बाहर से लगाई है हैफड़ वाली दीवार पे। हाँ जी, यहाँ से सेंध लगा के अंदर बढ़े कोई, कम से कम 5-7 लोग थे ये। कितने बजे घटना टाइम था? टाइम करीब 2 बजे का लगा लो आप। आइडिया है जी, आइडिया 2 बजे का। आपको कैसे पता चला कि ये तो सवेरे सब्जी वाले ने बताया, फ़ोन करे घर पे, जो रेडी वाला सब्जी फ्रूट वाला आता है 5 बजे, यहाँ उसने 6:30 आता, उसने फ़ोन करे घर पे, तार कटी हुई देख के उसने फ़ोन करे, ये तार कट रही है कैसे है। उसके बाद? उसके बाद फिर हम लोग आ गए, बेटा आ गया मेरा, मैं आ गया, भाई आ गया, एस एच ओ साहब को फ़ोन करे, इन्हें उठाने फिर थाने जाके। अच्छा, एस एच ओ साहब आइए, पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जो सीसीटीवी लगे हुए ना, इनकी फुटेज प्राप्त होती है उनके आधार पर, और जो पुराने चोर है इस टाइप की जो चोरी करते हैं उनको सामने दर्ज किया जाएगा और 27 से पूछताछ की चोरी का क्रम पता किया। सर, जो पहले चोरियाँ उसको लेकर कोई गंभीर कदम उठाएंगे आगे से चोरियाँ ना हो? बिल्कुल गंभीर कदम उठाए जाएंगे। मौलान जो एस पी ओ है, एस पी ओ मिले अभी, उनको रिप्लाई किया जाएगा और जो चौकीदार है चौकीदारों की जो भी यहाँ लगाया जाएगा।